आज फिर से हाजिर हैं हम यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट की एक और अपडेट लेकर आपके साथ हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं पावर हाउस इंद के मुकाम पर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग पावर हाउस की यहां पर बनाई जा रही है। उसके साथ साथ यहां पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहां पर जो है एडजस्ट की जाएंगी। स्टाफ के हवाले से भी अगर बात की जाए, लेकिन अगर दूसरी जाने बात की जाए तो इसी के साथ में आप देख सकते हैं जो इससे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक टनल और एक ब्रिज जो कि इसी ट्रेन का एक अहम हिस्सा है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हालांकि मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा। संगलदान से सावलाकोट को जब ट्रेन आएगी तो वो इसी जानिब से होकर सावलाकोट को जाएगी, यानी कि संगलदान से सावलाकोट की जानिब। और ये एक मैन ब्रिज है यहाँ पर, जिस पर अब पटरी का काम जो है कंप्लीट कर दिया गया है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। देखते हैं कुछ खास विजुअल्स, बने रहिए हमारे साथ। तो भाई लोग, आप देख सकते हैं कितना डेंजर इलाका है और किस प्रकार का यहाँ पर जो है एक टनल है, जो मैन ट्रेन का टनल है, जो इससे पहले भी मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जूम करके बात की जाए तो आप देख सकते हैं पटरी का काम कंप्लीट हो चुका है आज यहाँ पर। हालांकि पिछली बार जब हम यहाँ पर आए तो पटरी का काम अभी इनकम्प्लीट था, लेकिन अब संगलदान से लेकर इंद तक आप देख सकते हैं कि पटरी का काम यहाँ पर अब कम्प्लीट होता जा रहा है। और वहीं सावलाकोट की जानिब पटरी का काम अब यहाँ से आगे चल रहा है। हालाँकि अगर देखा जाए तो इस मैन टनल की बात अगर की जाए तो यहाँ से जब ट्रेन टनल के अंदर जाएगी तो सावलाकोट स्टेशन में ही आपको नज़र आने वाली है। और अब यहां से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब सावलाकोट तक बहुत ही जल्द ट्रेन पटरी का काम जो है कंप्लीट होने वाला है। और वहीं आप एडिट भी देख रहे हैं साथ में, जो कि T14 आप देख सकते हैं उस जानिब में, जो कि यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट का ही एक एडिट टनल है। और वहीं बाहर से आप एक नेशनल हाईवे भी देख सकते हैं जो अभी बनाया जा रहा है संगलदान टू सावलाकोट। वहीं अगर पावर हाउस की बात की जाए तो इस जानिब में आप देख सकते हैं ये एक पावर हाउस है जो कि संगलदान से सावलाकोट तक, यहां तक के रियासी तक भी अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा पावर हाउस इंद के मुकाम पर बनाया जा रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये कुछ खास अपडेट थी पावर हाउस के हवाले से। और वहीं अगर बात की जाए तो टनल के हवाले से, ब्रिज के हवाले से, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, हम ऐसे और प्रयास करते रहेंगे। बहरहाल आप इस जानिब में भी देख सकते हैं मेरे साथ आज गरदारी बही भी हैं, जो कि एक बड़े यूट्यूबर हैं और अक्सर इनके व्लॉग्स भी आते रहते हैं, आप तक पहुँचते रहते हैं। और इनके कुछ सॉन्ग्स भी आप देख चुके होंगे, इनके नाम से सर्च करें तो आपको इनका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहीं गरदारी लाल व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं। तो इनके काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर चैनल हैं, दो चैनल हैं इनके और काफ़ी फैन फॉलोइंग है, एक बड़े यूट्यूबर हैं। आप विजिट कर सकते हैं इनके चैनल पर, विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गरदारी भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? बस आपके हवाले से यही कहना चाहेंगे कि आपका जो व्लॉग हैं, दोस्त बहुत सारा जो प्यार देते हैं वो और भी आपको प्यार देते रहें जी। और अच्छे अच्छे व्लॉग डालते जाओ ताकि जनता का प्यार आपको मिलता रहे जी। थैंक यू गरदारी भाई। और मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी सभी व्यूवर्स से, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, गरदारी भाई को भी सब्सक्राइब करें, इनके चैनल पर विजिट करें। मिलेंगे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब व सलाम।